तो हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आप सभी लोग मुझे जानते हैं, मैं हूँ अनिल बागुल। तो दोस्तों, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिलेंगे जो ऑटो रिक्शा ज्ञान से रिलेटेड आपको सभी के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। और जो टिप्स देता हूँ आपको पसंद आते हैं, बहुत सारा प्यार आपका मिलता रहता है। और इसके बारे में आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो खास उस दोस्त के लिए जो ऑटो चलाने के लिए कि ऑटो सीखने तक आपको जो उसने मुझे कमेंट किया था कि गाड़ी गियर कंट्रोल कैसे करते। दोस्तों, आप और भी कोई दोस्त होंगे तो वीडियो देख सकते हैं, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और आपको वहाँ वीडियो मिलते रहेंगे, वो फिलहाल मराठी में है और अभी का वीडियो जो है हिंदी में मैंने अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गाड़ी कंट्रोल कैसे करते हैं उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आपके पास खुद की ऑटो हो या दोस्त की ऑटो हो, और साथ में ऑटो चलाने वाला जो जिसके पास बहुत सारा अनुभव है और गाड़ी चलाने और सिखाने से लेके हम साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल ऑटो को चलाने के लिए बगल में जो आदमी बैठा है उसको सिखाने कैसे है। तो हम अनिल बागोल और मेरा दोस्त फिटर इमरान शेख, या आप उसको देख सकते चलते समय हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो दोस्तों, रास्ते पे एक ध्यान देना चाहिए आपको, जहाँ गाड़ी सीखने की हो तो खुला मैदान हो या खुली सड़क हो, जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, तभी गाड़ी चलाते समय आपको पूरी गियर कंट्रोल किस तरह करना है उसके सही हर प्रकार का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। आप दिन में चलाओ गाड़ी, अच्छे सड़क पर चलाओ या हाईवे पर चलाओ, गाड़ी चलाते समय आपको अलग अलग टिप्स मिलते रहेंगे। आप ख़राब रास्ते पे चलाते हैं तब आपको गियर कंट्रोल या फिर ब्रेक का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में, या फिर बरसात का मौसम हो उस टाइम भी आपकी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगते तो आपको कैसी गाड़ी चलाते समय आगे जो ग्लास पे आगे का सामने का कुछ भी दिखता नहीं। तो दोस्तों, ये अलग अलग जो मौसम में अलग अलग वीडियो बनते रहेंगे और आपको अपलोड करता रहूँगा। तो फिलहाल अभी कुछ दिनों बाद अभी बरसात का मौसम चालू हो जाएगा, जब बारिश और कीचड़ से भरे रास्ते होंगे तो आपको गाड़ी कैसे चलानी है और गाड़ी को जो है प्रॉब्लम गियर कंट्रोल का उसके बारे में आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ध्यान देना है दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो लंबा ना, इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी वीडियो को मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाते समय गाड़ी जब आप ऑटो रिक्शा घाट में चलाते हो, जो चढ़ान होती हो या ढलान होती हो, वहाँ आपको गाड़ी कंट्रोल कैसी करनी है और धीरे कैसी करनी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने बहुत सी वीडियो पहले भी अपलोड करे, तो आपको गियर जब बदलते समय आपको ध्यान देना है आपके गाड़ी के ब्रेक अच्छे हो या फिर कम लगाते हो। तो फिलहाल दोस्तों, ब्रेक होने के कारण भी आप कम ब्रेक में भी गाड़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। खाली आपको थोड़ी सी जो जानकारी है वो आज मैं देने वाला हूँ। और ध्यान रखना, कभी भी गाड़ी चलाते समय ढलान पे गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में कभी ना चलाए, क्योंकि गाड़ी इतनी ओवर स्पीड हो जाती है आपके ब्रेक भी नहीं लग सकते और गाड़ी की कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते है। तो दोस्तों, ये हो गया गाड़ी कंट्रोल करने से पहले। फिलहाल आप देख सकते हैं गाड़ी का ब्रेक से पैर हटा दिया और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल अभी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन से मैं सेकंड में डाल रहा हूँ और गाड़ी जो चालू है, तो गाड़ी कभी भी गाड़ी बंद स्विच ऑफ करके नहीं चलानी है ढलान पे। गाड़ी कंट्रोल करने के लिए आपको गाड़ी चालू ही रखने के इंजन को, और उसके बाद आपको सेकंड गियर पे थोड़ा धीरे धीरे चलानी। जैसे ही गाड़ी 40 या 50 के आगे जाती और तीसरा और चौथा और ऐसे करते गाड़ी 50 के आगे जाती, तो दोस्तों ढलान पे ये ध्यान में रखना है कि आपको गाड़ी गियर कंट्रोल करते समय जब गाड़ी का जब स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको धीरे धीरे चौथे गियर से तीसरे गियर पे पहले लाना है, फिर उसके बाद दूसरे गियर पे लाना है, और उसके बाद आपको धीरे धीरे करते करते आप गाड़ी का जो स्पीड है बहुत नॉर्मल हो जाएगा, तब जाके आपको पहला गियर पे लाना है, क्योंकि यही गियर कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है। और आपको ब्रेक का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता और आपके पेट्रोल और माइलेज को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मैं हूँ अनिल बागोल, ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, ज़रूर लाइक और शेयर करना। दोस्तों, सबसे पहले आपको यूट्यूब या फिर गूगल के जो सर्च बार में इंजन में जाने के वहाँ ऑटो रिक्शा ज्ञान ये टाइप करना है। फिर उसके बाद आपको जो पहली लिंक खुलेंगी वो ऑटो रिक्शा ज्ञान नाम डालने के बाद आपको आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो रिलेटेड मेरे ऑटो रिक्शा ज्ञान के मिलेंगे। और मैं हूँ अनिल बागोल, मेरा चैनल ऑटो रिक्शा ज्ञान, और आपको पहले सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद आपको बेल आइकन दबाने की, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको सब नोटिफिकेशन मिलेंगे और आपको ऑटो रिक्शा ज्ञान के रिलेटेड सभी वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, बाय।